नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आर्मेनिया और अजरबैजान की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आर्मेनिया ये जंग हार चुका है और वो काराबाग छोड़कर जा चुका है। अब काराबाग पर पूरी तरह से अजरबैजान का कब्जा है। रूस और तुर्की ये जंग रुकवा चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक समझौता हुआ है जो हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। अब उससे आगे की खबर हम आपको बताएंगे। आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या माहौल है, इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और न्यूज अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अजरबैजान की आर्मेनिया पर ऐतिहासिक जीत के बाद तुर्की ने अजरबैजान के राष्ट्रपति को मुबारकबाद दी है। अजरबैजान और आर्मेनिया के समझौते की रक्षा के लिए तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अजरबैजान पहुंच चुके हैं। वहीं रूस ने भी अपने 2000 सैनिक अजरबैजान और आर्मेनिया भेज दिए हैं। अजरबैजान पर आर्मेनिया की ऐतिहासिक जीत के बाद जहां अजरबैजान में जश्न का माहौल है, वहीं आर्मेनियाई लोग मातम मना रहे हैं। लोगों में भारी गुस्सा है और अजरबैजान के हाथों मिली इस हार को आर्मेनियाई लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। अपने दर्शकों को कल की वीडियो में मैंने बताया था कि आर्मेनिया और अजरबैजान का काराबाग को लेकर युद्ध का अंत कैसे हुआ। एक के बाद एक काराबाग के इलाकों को अजरबैजान की सेना ने फतेह कर लिया है और जो कुछ क्षेत्र बच गए हैं, एक हफ्ते के अंदर आर्मेनिया उन्हें छोड़कर पीछे हट जाएगा। ये जीत अपने आप में अजरबैजान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इस लड़ाई ने कई रूप बदले हैं। पहले ये लड़ाई काराबाग को लेकर दो देशों के बीच शुरू हुई थी। युद्ध हारता देख आर्मेनिया ने नए नए पैतरे बनाए और इस लड़ाई को मुसलमान और ईसाई की लड़ाई बना दिया। धीरे धीरे इस युद्ध ने गंभीर रूप ले लिया। एक टाइम पर ऐसा लगने लगा कि दूसरे देश भी इस युद्ध पर कूद पड़ेंगे, लेकिन तुर्की के सख्त तेवर देखते हुए किसी दूसरे देश ने इस युद्ध में कूदने की जहमत नहीं की। तुर्की के विदेश मंत्री ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहम अली से मुलाकात की और कहा, आखिरकार आर्मेनिया को यह जंग हारनी ही पड़ी। हम मजबूती से कल भी अजरबैजान के साथ खड़े थे और आज भी अजरबैजान के साथ खड़े हैं। तुर्की पहले दिन से ही अजरबैजान के साथ मजबूती से डटकर खड़ा है और अब युद्ध जीतते ही तुर्की के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री आनन फानन में अजरबैजान पहुंच चुके हैं और इस समझौते की रक्षा के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। लेकिन आखिरकार आर्मेनिया को काराबाग छोड़ना पड़ा। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ अजरबैजान के लोग किस तरह अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया के पार्लियामेंट में लोगों का गुस्सा आप साफ देख सकते हैं। किस तरह लोग वहां पर गुस्साए हुए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, देखिए ये वीडियो। ये थी अब तक की अपडेट। आगे जो कुछ भी होगा हम आपको बताएंगे। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ।